24 तारीख की हमने ही अथी है ना वोटिंग है हो हाँ हो पंचायत हमने ही चुनाव 24 के जब ही हम तो जब हो 24 तारीख का है हो ना जब यार ना रोड बन ले ना कुछ बन ले इसी वोट दे चल भाई तो एक से पहले हूँ वोट दे ले अरे सब पैसा से बिक जाए था पैसा से सपोर्ट दे जाए तोरो मिलता ही हो तो तुम पैसा से दे जाए हम तो कोई ना नहीं थे पैसा कोई देवे वाला ही तो बताओ ना यार मैंने पैसों मतलब दे तो हो तो मानो तो हनी पहले बेच ले हो वोट देवे ना अरे ना रे हम ये बार तो हम पहला वोट अरे जी अब फर्स्ट टाइम गाँव में सब पहला बार नाम जुड़ लो है ना बिक जाए तो क्या कर मैं पैसा से वोट दे हाँ हो तो अगर इलाज का है इलाज को चाहिए आखिर जनता के जागरूक करना पड़ते ही ना हो कि भाई पैसा से वोट ना दो काम पे वोट दो पैसा से ना बिकवा तो जात से बिकवा जैसे मान लो पैसा से मान गए हाँ। पैसा ना ले हम इसी वोट दे भविष्य ना देखते हैं गाँव गली के तो जात देख लगता था हम जात के मुखिया अगर मान ली पहले के मुखिया जी तू जितल काम ना कर लथी तो तू अगला कई को युवा चेहरा आयल हथी अथी पंचायत में हो वो भी उम्मीदवार बन रही है तो ओकरा तो वोट दहो मौका तो आगे कोई को मिले के चाहिए ना तो कैसे दे दे ओकरा से हम पूछेंगे पहले सब जात वाला पकड़ ले है कि हमर जात कहता नहीं हमर जात कहता नहीं हमर जात कहता तो सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव बंद करवा दो बंद कैसे हो जाए ना ना तो शिक्षा तो एक है ना कि आदमी पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में कहला चुनाव करवावल जाए कि आदमी जात पात धन दौलत से ऊपर उठ के एगो काम करिंदा आदमी के वोट देवे कहला हो भाई ऐसे कैसे हो जाए कि अगला गाँव में काम हो जाए या ना हो भाई बितला हुआ था ना जी तोरो मुखिया देखते हैं वो पैसे के नज़र से जिसे काम ला फोन कर मतलब पैसा ले लेना इनका काम नहीं हो करम तो हमारे यहाँ काम नहीं किया है तो हम वोट नहीं देंगे जिसके यहाँ काम किया वो वोट अपन देगा तू ना दे मुतर बगल वाला दे तू ना हाँ तो वो तोरे पैसा से खरीद लेते हैं ना तुर का है का मतलब है फोन करवा तो जान देते हूँ कि गली में तो हम पैसा दे लिए चुनाव करे हाँ जी आज जब पैसा लेके वोट दिला है तो काम तो मांगे कि तोरा हक ना हो ना एकदम तो वोट तो आखिर देना होगा ना हम उसको नहीं देंगे तो सबको के देंगे वोट हाँ जी आखिर वोट तो देव तब ना सही व्यक्ति के चुनाव होता ही तो अगर हमने में परिवर्तन ना हुई थे नली गली नहीं ना बनते समझे पड़ती ना समझे पड़ती तो 50 साल से गलती करते हैं तो वही तो बात है कि तोरा जैसा पढ़ा लिखल युवा आदमी अगर ये बात गांव में वोट देवे जतै तबे ना चार गो आदमी के कॉन्फिडेंस भी करतै वोट देवे जाबू तो कही पिछला बार से मुखिया ही काम नहीं किया है छोटा वो जे काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं मिलेगा तो हर चुनाव में उसको बाइकआउट कर देना है ये हम लोग करना है तो वोट तो आपका अधिकार है वोट तो देना पड़ता है अधिकार है या कर्तव्य भी है आपको वोट देना है जय भाई हाँ एकदम जाना बहुत मनी उम्मीदवार रल थी सुने में आ है कि कुछ युवा थी कुछ महिला लोग थी है आया वो जो पहले से चुनाव जीतल हथी चुने पड़ती अब होती ना जो जात से न बिकता पैसा हाँ सबसे पहला तो हमारे जी अथी हमारा ही वोट मांगे उनका से हम पूछो कि तोरा हम काहे वोट देव सबसे पहला बात तो हमारा जब पहला बार जी आया है उम्मीदवार बन के हम पूछो कि तोरा वोट काहे देव किस आधार पे अगर हमको हमारा लगते कि ना ये हमारा काम करा तो हमारा उम्मीद लगत लोग समाज में जनता में लगेगा कि ना हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको उम्मीद से वोट देंगे अगर आप भी नहीं काम करेंगे तो आपको भी हटाएंगे है ना ऐसा बात होगा ना तो वोट देना पड़ेगा ना हम लोग को का भी चाहते चले गए चल जाए प्रथम चरण में ना है चुप से कि ना है तोरा तो नहीं तो लेट हो तो हमने जाए पड़ते हमने तो वोट देवे जाए वोट तो नहीं पड़ते तब नया बढ़िया उम्मीदवार के चुन के उम्मीदवार हो सात गो जब सात गो कैसन कैसन सब थी कुछ युवा हथिन कुछ बुजुर्ग हथिन बूढ़ा जितलका आयो को जितल होती तो जितल के हल्का जितल को हथिन तो जितल के काम ना कर लथि है काम कुछ करता थी ना अरे अगल बगल वाला सब जानन हो बिक जाए तो का करू जात के नाम पे फोन करवा तो बोलता थन कि पिछला बार ध्यान देबो ना का बोलबो ढेर लोग ये कहते कि इस बार इस टर्म में इस गांव में काम करबू अब अगला बार में तोरा ही काम कैसे करता थी वही सही ना हम वोटवे देने वाला ना तो कैसे करता थी हाँ लोग बैठाता है पैसा लेता है सही बात अब कोई पैसा लेके वोट देते हैं उनका चिन्हित करा उनका समझा हूँ तो अपन तो भविष्य खराबे कर हमारा लगा होगा हमारा लगा होगा चुनाव के पहले आज जात पे वोट देवा है ओकर का इलाज है अब ओकर इलाज लोकतंत्र के मतलब ना समझते हैं कि जात पात अली कहाँ से लोकतंत्र में समझता ही ना हाथ ल तो जात पात तो सब कोई फैलाते हैं ई का बिहार के सब नेता है ठीका उठा ले
जात पात होई थी हमरे तोरा से ओकरे में से ना कोई एगो ऐसा निकला थी जिनका कोई जात से मतलब ना है। इसे देखा भवेश वही ना तय करता थी विधायक वाला चुनाव में का हो जा है विधानसभा में कि वो यादव हो भूमिहार हो राजपूत हो ई हो है अब पंचायत में का हो जा है वो फलना बावन हो ई बावन हो चाहे वोटिंग में हो जो कि वो फलना अधिकार से खड़ा होलब है ई सब कार्ड देखे लगा थी ओकरो ना ना अरे हम तो यहाँ तक देख ली ना है कि मान लो हम भूमिहार ही चाहे तो गलती हमरा में है उठी होबा है गलती हमरा में है जब चुनाव आता है तो उस ओकर पहले का करा के हमने वो मीटिंग हुआ अरे तोरा देखिए ना जाबा कि जात हथिन के का हथिन के कोचे हथिन अगर तू अपन गांव के भविष्य देखा गांव के भविष्य देखला हो तो पैसा ना देखा वोट दे पतो देखा ना जात देखा ना पैसा देखा गांव के भविष्य देखा तू गली के भविष्य देखा लाइन के भविष्य देखा बिजली के भविष्य देखा ये सब देखबा ता ना अरे हम तो इतना इसकी देखा रात देख ली ना है गांव में जी कि अब मान लो हम भूमिहार ही तो तू जठरिया है तो तू अथरव है तो तू अलवार है तो से वोट बटे से ना होए वाला है कुछ चुनाव करी तोरा देखे पड़ता है अपना गली नली चाहे जो आप थू चुनाव में ना उनका दिखाओ जीतर पहले से देखो ये देखो स्थिति हम कौन आधार पर वोट दिबा मेन बात है कि तू आदमी में काम ना देखते हूं आदमी के नाम देखते हूं सिंपल बात यही है और एक बात यू है हमने के उम्मीदवार में एगो पद पे वो जीतल रही है पिछला बार तो काम खूब कर गई है अब वो का लोग वोट दिलाना थी कही तो वो का गलती है बताओ उनका सब तोलते होती कुछ ना कुछ से जात से कास्ट से पैसा से कुछ से तोलते होते गलती हमनिये में ना है तो कल सीधा कैसे होते कि तू आदमी के नाम देखते हूँ काम देखता ही ना हूँ नाम ना देखता हूँ तो पैसा देखता हूँ पैसा ना देखता हूँ तो कर देखता हूँ जात जी तो मतलब कहे के मतलब यह ना है कि जो दिन वोटर सुधर जाता वो दिन नेता अपने आप सुधर जाए हम नहीं ना तय करके भेजा है जी हाँ हम नहीं ना चुको जैना हमने पैसा लेवेला बंद कर दें हम ये सोचना बंद कर दें कि वो कास्ट क्या वो कास्ट क्या अगर गांव के गली नाली पैसा अगर देखे लगा कि हमारा सही सब बढ़िया रहे तो भाई गांव में सबसे पहले तो चुनाव के पहले मीटिंग कर ला बाबू देव अगर चुनाव जीते के हो तो गांव में कोई एगो आओ बढ़िया से ना ना वो तो पैसा लेके तो गांव के 5 साल के भविष्य बर्बाद करते ना वो तो लोकतंत्र है केकरो खड़ा होवे के मन है हां अब तू कैसे कन्विंस करबा वोटर के ही है अब वोटर के भी ध्यान देवे ला है कि जात पात से ऊपर उठ के काम के आधार पे आप वोट दीजिए जो दिन पब्लिक सुधर जाएगा उस दिन सरकार इतना जागरूकता अभियान चलावे कितना लोग मानत है ना कहीं कोई सुधारे नहीं उनमें ये हमनी के तय करे पड़ेगा अब तो हमारा लगे है ना कि जैसे शहर में सफाई के है ही मुद्दा है वो तो पंचायत चुनाव में भी सफाई को मुद्दा होवे के चाहिए काहे कि 5 साल में एको बार प्रतिनिधि नली साफ न करवावे अभी गांव की स्थिति है हमने के गांव में जब तो पता चलता बा कि नली गली में बही थे ठीक ना गलिये में नली बही थे आ गाड़ी पैदल आदमी सब नलिये में जाए थे और रोडवा 5 साल के पहले ही टूट जाते हैं वो तो देख ली हमनी के सामने बनल है 2 महीना में रोड के धूल जाए हो सबके सुधार कर सबके सुधार कर जिला परिषद आवे मुखिया आवे पंचायत समिति आवे बाढ़ में तो वोट ना काम से वोट तोर बाढ़ में कोई दिक्कत है सबके क्लास लगाव जे वोट मांगे आवे ना वो तेरा टाइटल देख के जौन दिन वोट देला छोड़ देबो नाम देख के वोट मत दे काम देख के वो दिन से सुधार गांव के भविष्य सुधारे ला तब पंचायत के भविष्य सुधारे ला अब मान लो ना कि वोट देवे चले के है हां वोट तो देवे जरूर जे पिछला बार से जे मठाधीश लोग बैठल थे ना दे उनका तो बाइकआउट कर देना है हटा देना है एकदम काम ना कर देन तो को बैठे भी ना हां अब जे ना एक जाओ करे के है जे नया बार उम्मीदवार बन के अलन है उनको से क्वेश्चन करे के है हां हां कि तू का करवा अगला तो हम बतावा पूरा हमको दीजिए कि क्या हम आगे जीत करके आएंगे तो हम का तोरा ला करबू हमर का समस्या है अपन समस्या बताएंगे हमारी समस्या अगल बगल के 10 के समस्या लिख के हम रह जहाँ वहाँ 10 गो मकान है वो 10 के समस्या रख ले भाई अब अगला रख देते 10 के पंचायत के समस्या रखा देते आज जे लोग काम कर ले है मान ली पिछला बार हम कोई पद पे काम के तो परिणाम पद पे जो जो जीत के ले है वो पद पे अगर वोट मांगा तो वो काम दिखित है काम जी है। जो काम कर रहा है ओकरा छुपे ला है तो कास्ट देखना चाहे ये करना गलत है आओ कर जीतो निश्चित है बिल्कुल जो काम कर चुक लगी है ओकरा कोई कैसे हरा देते अगर काम पे वोट देते पब्लिक तो अगर फिर जाग देखती तो हर भी सका ही आदमी बतावा ना हमारे हिसाब से प्रतिनिधि जीता हथी कुछ जनता लोग के भी गलती है इसे जौन पद पे हो उनका जो काम है जनता लोगों का ना करता थू तक तथू की आवासीय बनवा दे ये चीज बनवा दे अरे जो पद पर जीता है जो उसका काम सबके विभाग भाई जाते हटाइए उसको सबका काम भाई दीजिए उसको ना ना तो जैसे बात का होगा ना है
कि गांव में किसान आदमी रह हथी बड़ी आदमी पढ़ल लिखल भी नहीं बड़े कम पढ़ल लिखल हथी तो उनका ब्लॉक में जाना कर्मचारी से बतियाना फिर एफिडेविट करवाना आय आवासी बनाना ये सब उनका समझ में ना आवे तो ओकरा ला प्रतिनिधि तो मदद करबे करते हर गांव में चाहिए एगो समस्या सेंटर खोले ला। हाँ वो प्रतिनिधि को चाहिए जीत जाने के बाद वहीं पर आप जमा कीजिए समस्या उसके बाद निदान हो जनता लोग के चाहिए ना तो एगो फोन नंबर जारी कर दीजिए जारी कर दीजिए तो ग्राम सभा लगाइए भाई साप्ताहिक। हाँ जी है ना आपका ये सुझाव सबसे बढ़िया है कि एगो सहायता केंद्र चिट्ठिये वाला डाल दे एकदम सहायता केंद्र हर गांव में होवे के चाहिए जे जे समस्या अपना अपने डाल दो ओकरा प्रतिनिधि के द्वारा सप्ताह में एक दिन उसको खोला जाएगा। अब ये गांव में ये भी बहुत बड़ा समस्या है कोई के जाति बनवावेला है कोई के आय बनवावेला है आदमी जागरूक ना हथि ना हर आदमी आ जाना ना अब बिना घुस के तू जाबो तोरा कोई ब्लॉक में जान पहचान है तोरा आय आवासीय ला 10 दिन दौड़े पड़त आ जे प्रतिनिधि तोर चल जाए तो एक दिन में एक घंटा में बन जाए चलते आदमी न जाए जाए तो काम तो सब है कि गांव में बूढ़ बुजुर्ग जो हथी जो गरीब परिवार से है अब एक बार शहर में गलत पढ़े और ओकरा आय के आवासीय के चाहे ई डब्ल्यू एस कोई भी कुछ भी ऐसा कागजात की जरूरत हो है तो एक अचानक घर के रह कहा तो समझ में गार्जियन के नाम है समझे में थोड़ा तो प्रतिनिधि से हेल्प ले ऐसा कुछ ऑफिस बनाए या गाँव में या कुछ ऑनलाइन सेंटर बना दे ऑनलाइन फोन नंबर जारी करे कि हाँ तो सुविधा वो तो होना चाहिए तो इस बार का प्लानिंग चलना है इस बार चलना है और सब लोग को समझाना है कि जो जो उम्मीदवार आ रहे हैं सबसे क्वेश्चन किया जाएगा सबसे पूछा जाएगा कि आप वोट अपन न छोड़िए ना वोट तो अपन दे सही लोग को देना है जो काम करे अगर वो लोग जीत करके अगर सही काम नहीं करेगा तो उसको भी हटाया जाएगा। इसी के साथ हम लोग वोट देने तो जरूर जाएंगे। पिछला 10 मिनट में जब इससे बात कर लिया है ध्यान से सुन लहू ना उनका पर गौर करिए विचार करिए और बाद बढ़िया से वोट देवे जाइए अब वोट देवे जाइए ना नुकुन न करिए वोट देवे में आओ अगल बगल आस पड़ोस जेवार सबके ले लेते हूँ वोट दिलावे आओ जरूरी हवा ना तो गांव के भविष्य औसने के औसने रह जाते जैसा हल हवा। हाँ अब वोट देवे जाइए तो ये बात पे जरूर ध्यान रखिए कि जाति या पैसा देख के वोट एकदम न दी एकदम वोट देवे तो जरूर जाना है। आई जो हमनी के कोई स्टैंड न मिल रहा ये चलते एक हेलमेट के रख लीब एक पे ज़्यादा ध्यान देवे के ना है हमने आवत एक से मोटरसाइकिल चलावे में ही बड़ा सहायता करा है ठीक ना। अब जे इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दो बेल आइकन बिहारी कलम के बेल आइकन दबावे ला मत भूल खूब शेयर करिए पंचायत में सभी लोगों तक पहुँचे के चाहिए वीडियो सबके पता लगे बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी कलम।